गुरु की बहमा सब वेद शास्त्रों ग्रंथों को से निगाहें, हम उनके समझने में कुछ गलती कर रहे हैं। गुरु अगर सही मानो में जैसे कि ग्रंथों पोथियों ने उनकी महिमा गाई है अगर लिया जाए तो कल्याणकारी है। अगर 100 काल गुरु डम के पीछे जाओ तो बेड़ा कर पहुंचे। गुरु इंसानी शक्ल रखता है, वो परमात्मा घट घट में है, उसने उसको प्रगट कर दिया, उसकी वो आंख बन चुकी है जिससे वो उसको देख रहा। सुन संतन की साची साखी, सो बोले जो पेखे आखे। संतों की शहादत को सुनो वो सच्ची है, क्योंकि वो जो कुछ देखते हैं वो बयान करते हैं। पढ़ा लिखा नहीं, बुद्धि के पहलवानी से नहीं, नतीजे अखज कर करके नहीं, वो देख कर बयान करता है। जब देखा तो गावा, तो गावे का फुल गा। आलमों फाजलों को, ग्रंथाकारों से और चात्रों से बहुत कुछ सुनने पर भी हमें कोई यकीन नहीं आता। शुभर भरे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साथ के संग, वो प्रभु के प्रेम और रस और भक्ति भाव के ओवरफ्लोइंग प्याले होते हैं, उनको देखने से चाओ पैसा भेंट करने से रिसेप्टिव होते हैं। ऐसे पुरुषों की शोभत हमें भी वो रंग दे सकती है जिस रंग में वो रंगे पड़े। कि सत्संग बड़े भागों से मिलता, ठीक है, सत्संग कैसे बनता? पूरे गुरते सत्संगत उपजे, पूरे गुरते पूर्ण महात्मा अनुभवी पुरुष की संगत से ही सत्संग बनता। जो अधूरे हैं उनकी शोभ से सत्संग बने हुए कभी? जय सतगुर तय सत्संगत बढ़ाई, सतगुर बाद जो संगत न होई, बड़े साफ लफ्ज के हैं। तो जो खुद देखता है दूसरों को उस अनुभव पाने में मददगार हो सकता है, दिखा सकता है, कहो उस हस्ती का नाम सदगुर है, उसको गुरु कहते हैं, उसको साधु और संत कहते हैं। अब हमारे प्रयास ज्ञान और ध्यानों की कमी नहीं, जब से दुनिया बनी है तब से भी ऋषि मुनि महात्मा अनुभवी पुरुष आते रहे, उनके जो अनुभवी कलाम थे वो हमारे पास मौजूद है। नए ज्ञान ध्यान कभी बदलते नहीं, ज्ञान कभी बदलता नहीं, वो अजली है, वो हर एक की सृष्टि में शामिल है, उसमें ना कोई एडिशन हो सकती है ना अल्ट्रेशन हो सकती है। कुदरत के नियम है, ना बदले हैं ना बदले जा सकते हैं। जिन्होंने उसका अनुभव किया वो जब जब आए दुनिया के सामने पेश करते रहे। आज हम खुशकिस्मत हैं इस जमाने में कि आज दिन तक जितने भी ऐसे अनुभवी पुरुष आए उनके बेशकीमत कलाम जो हीरे और जवाहरात से भी ज्यादा कीमती हैं हमारे पास मौजूद। कमी किस बात की? एक ही, जो जब भी थी सो अब भी है, वो यही कि जो वो कहते थे हम नहीं करते। बड़ी मोटी बात, ग्रंथों पोथियों को पेश करने की या पूजा करने से मुक्ति नहीं होगी। यार ग्रंथों पोथियों में जो उन महापुरुषों के बेशकीमत कलाम दिए हैं उनको अपने जीवन का हिस्सा बनाने से मुक्ति होगी। बड़ी साफ गई जरूरत है तो इस बात की कि जो ट्रुथ जो वचन अनमोल उन्होंने बयान किए उसको दुनिया के सामने पेश किया जाए और अपने जीवन का हिस्सा बनाया जाए। सब महात्माओं के कलाम दो बातों पर जोर देते रहे हैं, एक प्योरिटी ऑफ लाइफ, जीवन को पवित्र बनाओ, सदाचारी बनो, नेक पाक बनो, आलायशों से पाक होकर इंद्रों के भोगोरसों की तरफ से हटो। पहली बात, अपने आप की तरफ तवज्जो दो, तुम चेतन स्वरूप हो, परमात्मा महाचेतनता का समुद्र है, वो सब में है और सबकी आत्माएं चेतन स्वरूप हैं, सब भाई भाई है। ये दो असूल अगर हम धारण कर लें, सब वजहों की तालीम इसी में आ गई। कौन समाज है माफ करना, कौन महापुरुष हुआ है जो इस बात पर जोर नहीं देता रहा। कायदे की बात है कि हमारी आत्मा मन के अधीन है, मन आगे इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियों को भोग खींच रहे हैं,
ये इंद्रों के भोगो रसों का मुजस्म स्वरूप बन रहा है। फिर जब से बाहर से हटे नहीं, इंद्रों को भोगों से न हटाए, मन को इंद्रों से न छुड़ाए, इंद्र जाल से, और अपने आप को मन से एनालाइज ना करें, अपने आप का अनुभव ना करें, वो हकीकत जो इसकी जीवन आधार है उसको कैसे जान सकता, बड़ी मोटी बात। इसीलिए सब महापुरुषों ने कहा दो दिशा अपने आप को जान, चेतन रूप विचारो अपना, तुम अपने चेतन रूप को विचारो भाई, तुम चेतन रूप हो, तुम इस जिस्म को चलाने वाले हो, इस मकान के मकीन हो, और ऐसे सब है, सब आत्मा देहधारी है ना, परमात्मा ने आत्मा देहधारी बनाए। अपने आप की तवज्जो तब लगेगी अपने आप की तरफ जब बाहर से हटोगे। हमारी इतनी एंगेजमेंट बाहर इंद्रियों के भोगों रसों में बन रही है कि हमें फुर्सत ही नहीं कि अपने आप की तरफ थोड़ी तवज्जो दे। मैं कहूँ कभी ख्याल है इस जिस्म को पहने हुए कहो, धारण किए हुए कहो, कईयों को 10 साल 20 साल 50 साल 60 70 साल कभी ये ख्याल आया कि मैं ये जिस्म हूँ या इसका मकीन हूँ चलाने वाला, कभी नहीं। तो यही दो बातें सब महापुरुषों ने पेश की कि सब आत्मा देहधारी हैं, इंसान इंसान में कोई फर्क नहीं, सबको एक जैसे हकूक प्रभु ने दिए हैं, ये नहीं कि एक इंसान को ज्यादा दिए हैं ये दूसरे को कम दिए हैं। बाहरी बनावट के लिहाज से, जिस्म की अंतर बनावट के लिहाज से सबको एक जैसे हकूक, सबको एक जैसी बीमारी लगी है, सबकी आत्मा मन के अधीन है, मन इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियों को भोग खींच रहे हैं, ये जिस्म का जगत का रूह बना बैठा है, अपने आप की तरफ कभी तवज्जो जाने का समय ही नहीं मिला, होश नहीं आई, तेली की बल्ब की तरह चक्कर काटता रहता है दिन रात। आखिर वो समय आता है जब आत्मा जिस्म से जुदा होती है, आंख खुलती है, पछताता है, वो सबका पछताना किसका, दो आंसू बहाता और चल देता। तो किसी महापुरुष की कलाम, किसी धर्म पुरुष को खुलाओ, ये दो चीजें बनेंगी। मजहबों को ना पेश करो, माफ करना उनकी सच्चाइयों को पेश करो, तब तो सब भाई भाई एक। अगर मजहबों की बनावट ही को पेश करोगे तो वो तंग दायरे बनाओगे, तंग दायरे में फंसा हुआ इंसान आखिर जकड़ों में रहेगा, जहां जकड़ होगी वहां स्टेग्नेशन होगी, जहां स्टेग्नेशन होगी वहां डिटीरोशन होगी। आप देखेंगे ये जो समाज बनाई गई थी बड़े नोबल पर्पज से बनाई गई थी, बट द सेम गुड ओल्ड कसम क्रप्ट सिस्टम, गंगा जल जहां से निकलता है, गंगा जहां आती है कितना पित्र पानी होता, बोतलों में बंद करो मूत्रों पड़ा रहे खराब नहीं होता, कानपुर या कलकत्ते चले जाओ तो सब समाजों का पर्पज बड़ा नोबल है यार। आखिर महापुरुषों ने सोच समझ कर बनाई थी, खास तौर से इंसान सोशल बीइंग है, ये मिलजुल कर रहने वाली हस्ती है, इसकी जीवन यात्रा सुख से बतीत हो और इंसान इंसान के काम आए। कल उसके लिए ये कहा कि मानस की जात सब एक है, बस मानस की जात सब एक के पहचान वो हाय, आपने बाहर नीले कपड़े पहने हैं, सफेद लाल पीले, साधु हो जटाधारी हो, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो कोई भी हो इंसान सब आत्मदेहधारी, तो सब आत्मदेहधारी हम सब भाई भाई हैं, एक पिता एक उसकी हम बार, ये ट्रुथ है। किसने कही, सब ने कही, सबे सांझी वाल सदाएं कोई न दिशे बाहर जियो, सबे सांझी वाल हैं, एक पिता एक इसके हम बालक, हम उस परमात्मा खुदा के कुंभे के सब मेंबर हैं, सब महापुरुष यही कहते। तो इस ट्रुथ को पेश करो कि सब इंसान एक हैं, इंसान इंसान, तो दूसरों से ऐसा सलूक करो जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ सलूक करो, इस बात की जरूरत है ना। तुम ग्रंथों को मत्था टेको या ना टेको, माफ करना अदम करो अच्छी बात है, मगर जब तक उनके इन बचनों पर मत्था नहीं टेकते कल्याण कैसे। ये ग्रंथ पोथी क्या है, पास्ट गुरु स्पीकिंग थ्रू बुक्स, पुराने महात्मा ग्रंथों पोथियों के द्वारा बोल रहे हैं, सब यही पेश करते हैं कि इंसान इंसान सब एक है, सबकी आत्मा मन इंद्रों के अधीन, इंद्रों के भोगों रसों में लंपट होकर
अपने आप को भूल चुकी है, परमात्मा को भूल चुकी है। जब से बाहर से हटे नहीं, फैलाव से हटे नहीं, अपनी आप की तरफ तवज्जो ना है, अपने आप की होश ना है, तो जीवन आधार जिसको प्रभु और परमात्मा कहते हैं कैसे होश आ सकते। तो जरूर किस बात की हुई भाई, यानी प्योरिटी ऑफ लाइफ, जीवन की पवित्रता, नेक पाक सदाचारी जीवन। दूसरे जो उन्होंने कहा कि इंसान इंसान सब एक हैं, आई पंथी सगल जमाते, सबसे बड़ा मजहब दुनिया में कौन सा है कि हम सब एक जमात को पढ़ रहे हैं। समाजों में दाखिल हुए थे उसको पाने के लिए, ये स्कूल और कॉलेज हैं, इस ग्रंथ के लिए कि हम प्रभु को पाएं और प्रभु के पाने से पहले अपने आप को पाएं। जब तक अपने आप ही की होश नहीं, जिसने आत्मा ने अनुभव करना है परमात्मा का, जब तक हम अपने आप की होश नहीं प्रभु को कैसे जान सकते। न वो इंद्रों से जाना जाता है, न मन से, न बुद्धि से, न प्राणों से। तो इसलिए जिसने जानना है उसको जानो, पर वो तुम खुद हो। कैसे जानो, बुद्धि विचार का मजबूत नहीं, प्रैक्टिकल सेल्फ एनालिसिस है। कम से कम इतना ही मानना शुरू कर दें कि सब इंसान इंसान सब एक है, यही कहते हैं। विसर गई सब तात पर आई, जब से साध संगत मोह पाई, ना कोई बैरी ना ही बिगाना, सगल सब हमरी बना। कहते दो घड़ी सत्संग कर लो भाई, भागों वालों को मिलता सत्संग। ये मानी नहीं कि जबानी जमा खर्च करके चले गए, इक्के लगा कर राग सुना गए। अरे वो जो सत्संग कहता है, यही कहता है कि सब इंसान इंसान सब है, वो प्रभु सब में है। अगर तुम अपने बाल बच्चों को पाल रहे हो तो वो भूखे नारायण जो फिर रहे हैं, उनमें तो परमात्मा है। बांट कर खाओ, भगवान को मिलना चाहते हो तो भगवान सब में है, उसकी पूजा करो। बाहर फूल चढ़ाने की बजाय जो भूखे और प्यासे नारायण नंगे और ढोंगे फिर रहे उनकी पूजा करो। ये वेदशास्त्र ग्रंथ होती है, हमको कहते आपने एक समाज का लेबल लगा लिया या दूसरे का, वही आपने ये गायन गा लिया भाई, सत्संग नसीबों वालों को मिलता है भाई, मिलता तो सबको है। सत्संग में जो बात, सत्संग करो बना बना कर करो भाई, बात सुनी जो तुत्नों महापुरुषों ने पेश की, पास्ट ने या प्रेजेंट ने। सच्ची बात तो यही है कि भाई ज्ञान तो एक ही है, न बदला है न बदल सकता। महापुरुष आते रहे उसको बयान करते रहे, वही जब जब महापुरुष आए और पिछले भूल गए सबक हमको, वो फिर ताजा कर गए। किसी ने ये नहीं कहा कि तुम आत्मा देहधारी नहीं, सबने ये कहा कि तुम आत्मा हो, देह को धारण किए हो। सबने ये कहा कि आत्मा मन के अधीन है, मन इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियों को भोग खींच रहे। शरीर रूपी रथ में आत्मा सवार है, बुद्धि उसकी रथबान है, मन लगाम है, और इंद्रिया रूपी घोड़े तुमको भोग रूपी खेतों में खींच रहे। सब यही कहते हैं, सबकी आत्मा रूप नफस के बस में है। जब आप बार फैलाव में हो, अपने आप से दूर हो, प्रभु से दूर हो, अरे भी ये ट्रुथ है जो उन्होंने पेश की, इन ट्रुथ की पूजा करने की जरूरत है। किसी समाज में रहो, इसके बगैर ना कल्याण हुई ना हो सकती। तो पास महात्मा के राइट इंपोर्ट को समझने के लिए जिन्होंने ये जीवन बनाया है उनकी सोबत करो। पास गुरु आर ऑल्सो नीडेड, मतलब भी किसी ऐसे हस्ती की जरूरत है जिसने उनका अनुभव किया है उन ट्रुथ का, और हमको उसके अनुभव करने में मददगार हो सकते हैं। फर्ज करो आपको ऐसा महात्मा आज भी मिल जाए तो फिर खाली गाने से काम नहीं होगा, याद रखो। आ गए दो घंटे घंटा बैठ कर चले गए, फिर वही है चाल बेढंगी जो आगे थी सो अब भी है। बताओ ऐसी हालत में क्या हो। मैं आपके सामने कुछ नई चीज नहीं पेश कर रहा, वही है जो पुरातन से पुरातन चली आई है। पैरल स्टडीज ऑफ रिलीजन से यही मालूम होता है कि ट्रुथ इज वन। सब महापुरुषों ने उसी का जिक्र किया, जितनी जितनी उनकी कामयाबी हुई वहां वहां तक वो रेफरेंस देते चले गए। छोए हुए जीवों को जगाते रहे, चिताते रहे, होश में लाते रहे, फिर हम भूल गए, कोई और महापुरुष उसको ताजा कर गए। तो अगर ऐसा वही पुष्प भी मिल जाए, किसी समाज में रहो यार, समाजों का झगड़ा नहीं वही, समाजों के पुजारी ना बनो, प्रभु के पुजारी बनो। समाजें मीन्स टू दी एंड है, हम दाखिल हुए थे इनमें प्रभु की फौज में दाखिल होने के लिए।
ज्वाइन द आर्मी ऑफ गॉड, प्रभु भक्त बनो। प्रभु भक्ति जिसके लिए हम समाज में दाखिल हुए थे वो गई भूल, चाले थे हर मिलन को बीच अटके और चीख बीच में अटक गए, पुजारी बन गए समाजों के, उनके चेन चक्कर ही साबित करते रह गए, जिस गर्ज के लिए दाखिल हुए थे उस गर्ज को भूल गए। नतीजा क्या हुआ? अलग अलग पार्टी बन गए। जितने मजाहब हैं समझे, इख्तलाफात मजाहब जुमला, अब हम अस्त बस सच्चाई एक है, उसी को सब महापुरुष बयान करते रहे। जब तक उसके पुजारी नहीं बनोगे दुनिया में शांति नहीं हो। सब महापुरुष कहते हैं, ये दो बातें मैंने पेश की कि प्योरिटी ऑफ लाइफ से ही तुम आत्मनु को पा सकते हो, इस बात को देख सको कि सबके अंतर वही। अरे भाई जब तक इस अनुभव को नहीं पाया हमें क्या करना चाहिए, सवाल ये रह गया। तो उसके लिए यही है कि जिन्होंने इस अनुभव को पाया है उनकी सोबत। डॉक्टरी सीखनी है तो डॉक्टर के पास जाओ। मर्दे हजी मर्दे हाजिरा तरव खा हिंदू खा तुर्को खा अरब, तुमको हज करने की ख्वाहिश है तो किसी हाजी को साथ ले लो जिसने हज किया है, कहते कौन हो, खा हिंदू हो तुर्क हो या अरबी हो। डॉक्टरी पढ़ते हो, वहां पढ़ने के लिए जब जाते हो वहां कौन होते हैं पढ़ाने जो उसके माहिर हैं, सिंह हो खान हो राम हो जोजफ हो या स्मिथ हो, कोई फर्क नहीं। अरे भाई ये नजरिया सब महापुरुषों ने पेश किया, जब से हम इस नजरिया को भूल गए भाई भाई के प्यारे जुड़ाओ। सब महापुरुषों ने यजुर्वेद यही कहता है, हजारों में मिलकर उसके गुनावार ना हो। अरे और महापुरुष भी यही कहते हो, एकत्र मिलो मेरे भाई दुविधा दूर करो लिवलाए, ऐ भाई ये सब एकत्र होकर मिल बैठो, ये दोरुखी जो बनी है इसको मिटाओ, हरना में की हो जोड़ी गुरुमुख बैठो सफा मिठाई, प्रभु की याद में सब मिल जाता। ये बैकग्राउंड है जिस पर आप सब इकट्ठे बैठ सकते हो। अरे भाई आप किसी समाज से ताल्लुक रखते हो तो प्रभु के पुजारी के नहीं, सैकड़ों आशिक हैं दिलाराम सबका एक है, मज वो मिलन जुदा है काम सबका एक है, तो जरूर किस बात की हुई। सब महापुरुष क्या कहते हैं कि जीवन को पाक और पितर बना, सब ऊपर आचार आचार सबसे ऊपर, ये नहीं होगा तो अपने आप की होश नहीं आएगी। दूसरे वो परमात्मा सबके अंतर है, तुम्हारे अंतर भी है, तुम भी उसी की अंश हो, कौ कबीर राम की अंश, ये सब उसी की अंश है, सबके अंतर वो नारायण प्रभु है। जब तक तुम उस नारायण को जो भूखा मर रहे हो उसको नहीं पूछते, अपने ही नारायणों को पूछ रहे हो, नतीजा क्या है? तुम्हारा दुख कभी दूर हो नहीं सकता। विवेकानंद ने एक ही सबक पेश किया, आई एंड माई ब्रदर ऑफ वन, मैं और मेरे भाई सब एक, सब में सांझी बाल सुनाया, सब महापुरुष यही कहते। तो प्योरिटी ऑफ लाइफ सबसे पहले, फिर सब इंसान इंसान, सब आत्मा देहधारी हैं, सब उसके बच्चे हैं। प्रभु से प्यार करने वालों उसके बच्चों से भी प्यार करो, जहाँ प्यार होगा वहाँ बांट कर खाओगे कि नहीं? इसलिए सिख भाइयों में ये सूर रखा, सब महापुरुषों ने रखा, यही नाम जपो और वर्ण छको, यही एक बीमारी है जो हम नहीं करते, ना प्रभु को याद करते हैं ना बांट कर खाना सीखते। आज इतनी अधोगति हो रही है इसका यही मूल कारण है। हम सत्संग करते हैं, लेक्चर सुनते हैं, बड़े गुनावाद गाते हैं, मगर हम ये जीवन लिव नहीं करते। लिव ए लाइफ, जीवन बसर बनाओ, ऐसा जो समझ आया उसको जीवन में धारण करो। तो व्यास जी से जब पूछा गया कि महाराज धर्म किसको कहते हैं, कैसे समझ आया, कहे दूसरों से ऐसा सलूक करो जैसा तुम चाहते लोग तुम्हारे साथ करें। क्या हम करते हैं? कहने को तो कहते हैं, वह दूसरे से वो सलूक नहीं करते जो हम चाहते दूसरे हमसे करें। तो जरूरत किस बात की रह गई? इस तालीम को, इस तुत को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की जरूरत है। किसी समाज में रहो, रविदास जी चवार थे, नामदेव छीबे थे, सबकी जबान पर उनका नाम है। दुनिया में लाखों अरबों आदमी आए चले गए, कौन नाम जानता है स्वाय चंद चीद आदमी। तो आज भी इस बीमारी का यही इलाज है, इसमें शक नहीं कि ये एक राव चल रही है। तो आज ये राव चल रही है कि सब हम एक ही के पुजारी हैं, उस तुत को पे हम सब मिल बैठे, ये होश आ रही है थोड़ी थोड़ी, ये अच्छी निशानी है।
देखिए जरूरत इस बात की कि आमिल बनो, सिख हो तो सच्चे सिख बनो, मुसलमान हो तो सच्चे मुसलमान बनो, ईसाई हो तो सच्चे ईसाई बनो, हिंदू हो तो सच्चे हिंदू बनो। सच्चा हिंदू पना, सिख पना, मुसलमान पना, ईसाई पना किस बात में है? कि तुम्हारी आत्मा प्रभु को पहचाने, प्रभु सब में सबसे प्यार, जीवन में एक बार सदा जाए। ऋषि मुनि आए जो जमाने, उन्होंने हलचल मचाई, आज तक उनके ग्रंथ पोथियों के जो वचन हैं हम पूज रहे हैं। ज़ोरास्टर आए, उसने अपने जमाने में हलचल मचाई। कबीर आए, गुरु नानक साहब आए, एक शहर से दूसरे शहर तक फिरे, यही हौका देते रहे। मानस की जात सभी की जात। क्राइस्ट आए, आमिल पुश थे, सवाल तो यही था, कहते तो वही बातें थी, माफ करना जो प्रार्थना चली आई है, कोई नई बातें नहीं थी, मगर वो लिव करते थे। जो लिव करता है ना उसका असर होता, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई उनके अपने जमाने के पीछे बनी। गुरु नानक साहब आया, जगह जगह फिरे, यही तो लिए थे आमिल से। स्वामी विवेकानंद आया, उन्होंने यही सबक पढ़ाया। रामकृष्ण आया और महापुरुष जितने आए, अरे वो लिव करते थे और हम में उनमें यही फर्क, वो लिव करते थे, वो उस अनुभव को पा चुके थे, हम न लिव करते हैं ना अनुभव को पाया, सिर्फ बाहरी स्केलेटन के पुजारी बन रहे। अब सवाल ये आता है कि अगर कोई अनुभवी पुरुष ऐसा मिल भी जाए तो हमें क्या करना चाहिए? हम एक चीज को पाना चाहते, तो जिसके पास जाए उसे कहना माने कि नहीं? जब भी आदमी के दो जन्म होते हैं, एक जन्म तो माता पिता के घर होता है जिस्मानी, और दूसरा जन्म गुरु के घर होता, गुरु आपको एक नई दुनिया में पैदा करता है, दो जन्मा बनाता है सच्चे मानो। हाउ टू राइज अब बॉडी कॉन्शियसनेस, एक्सेप्ट यू बी बॉर्न एंड यू यू कैन नॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। माता पिता के घर पैदा हुए, जैसा उन्होंने कहा हमने किया, जैसी सोबत वैसा रहा। अब गुरु के घर पैदा जिस दिन इंसान होता है तो फिर वो जो कहे सो काम होगा, गुरु से पूछ कर वो कर्म धर्म करे जो वो बतलाए, जो वो हुक्म देवे वेद चू चना करे, उसका हुक्म उसके लिए वेद ग्रंथ और वाणी। गुरु गुरु हो, ये गुरु की महिमा गाई जा रहे, और गुरु के तुम फिर सन्मुख बन। मैंने अभी अर्ज किया था, गुरु किसी खास समाजी इंसान का नाम नहीं, गुरु वही जिसके अंतर ज्योति का विकास हुआ, प्रभु उसके घट में प्रगट है और दूसरे के अंतर वो प्रगट कर सकता। संत संग अंतर प्रभु जीठा, सदगुरु मिले तक ही वेखे, जिसमें ये क्वालिफिकेशन है समरथा है उसका नाम साधु संत। तो इसलिए महापुरुष जब भी आते रहे इसी बात पर जोड़ते, कभी अगर हम में है तो कहना ना मान दे। सबसे बड़ी बीमारी है, माफ करो मैं जो आज आपको कहते हूँ डायरी रखो, कोई नई चीज पेश नहीं कर रहा, बस जीवन की नेक पाकी के बगैर काम नहीं बनेगा। ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड, जिनके हृदय पित्र हैं वो मुबारक हैं, क्योंकि केवल ऐसे ही हृदय प्रभु को देख सके। वो सब में है अब भी, जिसमें आलाइशें भरी पड़ी हैं, जिनके जीवन गंदे हैं, इंद्रों के भोगरसों में दमपट हैं, बाहर से हटाव हटता नहीं, अंतर्मुख होता नहीं, कैसे हकीकत को पास ये करना ना? ये बच्चे टेकने से काम होगा याद रखना, ना फूल चढ़ाने से होगा याद रखो, ना गाने बजाने से इक्के लगा कर सुनाने से होगा। अरे भी एक तुत समझ आई है, उसके आमिल बनो, लिव लाइफ, जीवन को बनाओ, उसके लिए नेक पाक बनो। एक मोटा असूल धारण कर, दूसरों से ऐसा सलूक करो जैसे तुम चाहते लोग तुम्हारे साथ करो। डू अन टू अदर्स एज यू वुड लाइक टू बी डन बाय अदर्स, ये क्राइस्ट ने कहा। और असूल कर लो, सब एक ही के पुजारी हैं, फिर सब एक ही के पुजारी हम सब भाई हैं। परमात्मा से प्रेम करो, सब उसके बच्चे हैं, सबसे प्रेम करो, चलो इसको धारण करो। परमात्मा महाचेतन प्रभु है, आत्मा उसकी अंश है, ये भी चेतन स्वरूप है, सब चेतन स्वरूप आत्माएं हैं, सब में वो भगवान रम रहा है, सभी एक लिंक में परोए हुए हैं माला के दाने की तरह। उस लिंक जो है उसको जानो, एकदम महसूस हो कि दूसरे का दुख अपना दुख बनेगा, दूसरे का सुख अपना सुख बनेगा। दिमागी तौर पर हम ये सब बातें पढ़ी हैं, समझते हैं, लोगों को भी कहते हैं, मर खुद नहीं कर। किसी स्वामी रामतीर्थ ने कहा, वांटेड रिफॉर्मर्स, रिफॉर्मरों की जरूरत है भाई, नॉट ऑफ अदर्स बट ऑफ देमसेल्व्स।
क्या मिलेगा? गॉड हेड, वो तुम में आगे ही मौजूद। अरे अपने को ठीक करो। गुरु नानक साहब ने जब तालीम दी, दो ही चीजें पेश की, आई पंथी सगल जमाती, मन जीते जग जीत। मन को इन दो भोगों से हटाओ, कंट्रोल में रखो। अब तुमको मन लिए फिरता हूं, तुम शेर के बच्चे हो, मन रूपी स्थान तुमको नचा रहा है। हम आप यही कर सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। अरे ये टुक्स हैं सब महापुरुषों की, इस पर इसके आमिल बनो, बस जरूर किसी बात की सब सुख हो जाएगा, सब ये क्लेश मिट जाएंगे, दुनिया एक बहिष्ठ बन जाएगी।